उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िये का आतंक फैला हुआ है। इससे निपटने के लिए राज्य सरकार के आला अफसर भेड़िये को पकड़ने में जुटे हुए हैं। इन्हें पकड़ने के लिए ऑपरेशन भेड़िया भी शुरू किया गया, लेकिन सरकार को उतनी सफलता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए। अब तक भेड़िया 10 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। ऐसे में अब योगी सरकार ने इन भेड़ियों से निपटने का बड़ा प्लान तैयार किया है। क्या है प्रशासन का प्लान और क्या है इस प्लान पर वन विभाग का क्या वन विभाग इस प्लान पर खरा उतर पाएगा, ये भी अपने आप में सवाल है। इसी को लेकर देखिए हमारी रिपोर्ट। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की दहशत के बीच राज्य सरकार ने उन्हें देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है, क्योंकि जिला प्रशासन और वन विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद भेड़ियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। बताया जा रहा है कि बीती रात भेड़िये ने घर में सो रही एक और बच्ची को अपना शिकार बना लिया और आए दिन ये हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी ने इस मामले में कड़े निर्देश दिए हैं। 2 महीने से खौफ के साए में जी रहे ग्रामीण, सरकार ने भेड़ियों से निपटने का बनाया प्लान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए आदेश, भेड़ियों को नहीं पकड़ पा रहे तो गोली मारो, ऑपरेशन भेड़िया नहीं हो सका सफल। अब तक भेड़ियों के हमले में करीब 10 लोगों की मौत। मानव हित में योगी सरकार ने लिया फैसला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहराइच, बाराबंकी, सीतापुर, लखीमपुर में जंगली जीवों के हमलों की बढ़ती घटनाओं पर सख्ती दिखाई है। मुख्यमंत्री ने वन विभाग को किसी भी परिस्थिति में हमलों को रोकने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ से पहुंचे बड़े अफसरों ने ऑपरेशन भेड़िया की कमान संभाली है। डीएफओ समेत कई वन अधिकारियों को बहराइच भेजा गया है। सीएम योगी ने कहा है कि सरकार हर नागरिक के जीवन की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम योगी ने हाल ही में जिलाधिकारियों की बैठक ली है। सीएम ने बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, श्रावस्ती, मुरादाबाद, हापुड़, सीतापुर, गोंडा, मेरठ, बिजनौर और बरेली के जिलाधिकारियों और वन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की और जंगली जीवों के हमलों से उपजी स्थितियों की समीक्षा की। सीएम ने कहा कि प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में आदमखोर भेड़िये या तेंदुए के जरिए हमले किए जाने की घटना देखने को मिली है, इससे जनहानि भी हुई है। इस स्थिति को हर हाल में नियंत्रित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही ज्वाइंट पेट्रोलिंग भी बढ़ाई जाए। इस मामले में सूबे के पुलिस मुखिया डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान भी सामने आया है। जो मानव और वन्य जीवन का जो संघर्ष की स्थिति की बात बार बार ये आ रही है, वो कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है, लेकिन जनहानि न हो इसके लिए सरकार के तरफ से भी अनेक उपाय किए गए हैं, जिसमें वन विभाग की टीम को भी लगाया गया है और गांव में या स्थानीय नागरिकों में असुरक्षा की भावना न हो इसके लिए पुलिस का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। कुछ पीएसी भी दी गई है जो स्थानीय वन विभाग के कर्मचारियों तथा नागरिकों के साथ मिलके एक सुरक्षा की भावना जागृत कर रहे हैं और विभिन्न ऐसे उपाय किए जा रहे हैं जिससे कि इस तरह के अटैक रुके। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि हर जिले की अलग भौगोलिक स्थिति को देखते हुए राहत और बचाव की अलग अलग कार्य योजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने बिजनौर और मुरादाबाद दौरे से लौटे वन मंत्री अरुण सक्सेना से स्थिति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन्य जीवों के हमले की स्थिति में बचाव के लिए प्रशासन, पुलिस, वन विभाग, स्थानीय पंचायत, राजस्व विभाग क्षेत्र में व्यापक जन जागरूकता फैलाए और लोगों को सुरक्षा के उपायों के बारे में बताए। इसके साथ ही वन्य जीवों के हमले में घायल लोगों और मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित किया है। वहीं वन मंत्री अरुण सक्सेना का कहना है कि मानव जीवन को बचाना पहला कर्तव्य है। टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि भेड़ियों को पकड़ने का अंतिम प्रयास जारी रखें। यदि यह प्रयास संभव न हो सके तो कड़े फैसले पर अमल करना आवश्यक होगा। के लिए तो दे दिया है ऑर्डर कि हर हालत में भेड़िया पकड़ा जाना चाहिए, जिंदा या मुर्दा हर हालत में पकड़ा जाना चाहिए। कोई हराना नहीं, किसी अटैक बर्दाश्त नहीं है, चाहे उसे मारना पड़े। बहरहाल योगी सरकार ने अब भेड़ियों से निपटने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी
कि भेड़ियों पर नियंत्रण पाने के लिए और क्या कुछ तरकीब निकाली जाएगी। अनादि टीवी के लिए बहराइच से नितेश मिश्रा की रिपोर्ट।